सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम। मैं सुबह स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल अनन्या वर्मा ब्लॉग्स में। तो दोस्तों अभी यहाँ पे हुई है बहुत तेज बारिश और आपको दिखाते हैं हम कितनी तेज बारिश हो रही है। भाई बहुत तगड़ी बारिश, ओले पड़ेंगे आज लग रहा है। हाँ ओले पड़ेंगे, गेहूँ की फसल बर्बाद हो जाएगी। तीन चार बार आ गए भाई, पता नहीं कल रात भी तूफान आया था तो कल जागरण था, हम जागरण में जा नहीं पाए तो सब जगह से पानी 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 निकल रहा है। छतों से देखो कितना मोटा पानी बह रहा है। तो जागरण में तो हम जा नहीं पाए ना अनन्या, तो हम आपको फिर हम गए नहीं, लेकिन हम आपको दिखाएंगे जागरण। गाइस हमको कोड़ा जैसा लग रहा है और आपको नहीं लग रहा होगा फोन में। क्या लग रहा है आपको फोन में? नहीं लग रहा होगा, हमको लग रहा है। क्या लग रहा है? कोहरा। कोहरा? हाँ हाँ, क्योंकि इतनी तेज बारिश हो रही है ना तो दिख नहीं रहा है इधर उधर, तो तब कह रही मैंने कोहरा जैसा। आपको नहीं दिख रहा है? हमारे पास जागरण की कुछ क्लिप्स हैं तो हम आपको दिखाएंगे, तो आप भी इंजॉय कीजिए। क्यों हरा नन्या पहन भी हम जा रहे थे कल रात, लेकिन तब तक तूफान आ गया तो हम नहीं जा पाए। कोई मिलने के लिए से ले आया तो देख के छतों से कितना मोटा पानी आ रहा है। अनन्या तो बहुत खुश हो गई बारिश देख के। ना अनन्या ना क्यों खेलने के लिए? ऐसे तो मैं भारी लुढ़कते रहता हूँ भाई, आज मजा नहीं आ रहा। ये बारिश हो रही है ना तो अनन्या को मजा नहीं आ रहा है क्योंकि खेलने के लिए नहीं मिल रहा बाहर। मम्मा सब पौधे खराब हो गए। नाली में तो कितने बड़े बड़े पत्थर बह रहे हैं। तो अभी हम खाते हैं खाना और आज बनाई है हमने फिर से झोली भात। तो आज भी झोली भात बनाया है। तो आप जब भी मैं अपना ब्लॉग ऐसा बनाती हूँ ना किचन का या खाने का कुछ भी, तो उस दिन मैं झोली ही बनाती हूँ पता नहीं क्यों। तो उस दिन से नवरात्रि थी तो चावल खाए नहीं थे, तो आज जो व्रत होते हैं ना तो व्रत के बाद होता है ना खट्टा खाने का मन करता है, तो आज हमने बनाई है झोली मतलब कढ़ी चावल। तो अब हम खाते हैं। मैं एक महीने बाद बना रही हूँ कि ये किचन वाला ब्लॉग और आज भी मैंने कढ़ी ही बनाई है। उस दिन दो तीन दिन मेरे साथ ऐसे ही हो गया लगातार, जिस दिन मेरा किचन का ब्लॉग होता है उस दिन मैं कढ़ी ही बना रही होती हूँ। तो अभी हम खाते हैं खाना और फिर मिलते हैं हम। तो ये बारिश पता नहीं बंद भी नहीं हो रही है, कल रात भी तूफान आया था अभी भी बारिश हो रही है। तो बारिश पता क्यों हो रही है? जो फसल हो रही है ना गेहूं की उसको बर्बाद करने के लिए बेचारे हैं। गेहूं की फसलें हो रही हैं उनकी बर्बाद हो जाएंगे, फिर ओले गिरेंगे। तो ऐसे ही होता है, ये जो टाइम होता है आजकल गेहूं फसल कटती है तो उस टाइम ऐसा हो जाता है, ओले गिरने शुरू हो जाते हैं, बारिश हो जाती है तो बड़ा दुख होता है उस समय। ये है जागरण की कुछ वीडियोज़, तो आप देखिए और एंजॉय कीजिए। जय बोला जय बोला देवी जय बोला।
मैंने बोला था ना ओले गिरने वाले, अंधेरा जैसा हो गया था। देखो कितना अंधेरा जैसा हो गया, डर भी लग रही है, बिजली चमक रही है। जब पूछा तो अनन्या को टेंशन हो रही है कि कुत्ते कहाँ होंगे इस बारिश में, कहीं भीग गए होंगे या जाड़ा लग रहा होगा, बस उसको यही हो रहा है, उनको बुखार आ जाएगा तो अब कहीं पे होंगे, जहाँ वो रोज रहते हैं वहीं होंगे, कुछ नहीं होता। भाई इसको ऐसा ही होता है, इसको पता नहीं इतनी दया आ जाती है ना किसी भी चीज़ पे कि अगर कुत्ते कहाँ रहेंगे, उनको ठंड लगी, रात को भी ऐसी कहती है ठंडियों में। गाय क्या करेंगी, गाय जैसे कुत्ते बिल्ली वो कैसे रहते हो, कहाँ है, रोज बाहर ही रहते हैं, फिर अब क्या करें, बता दूंगा। अरे होंगे इधर ही, जहाँ वो रोज रहते हैं वहीं होंगे, तो ये इतनी टेंशन क्यों हो जाती है पहले ही। बज गए रात के 8 और अनन्या कर रही है पूजा। जय गणेश, जय गणेश, जय गणेश देवा, माता जकी पार्वती पिता महा देवा, दंत गया दंत चार भुजा धारी, माथे पर तिलक लगे की। तो अनन्या कर रही है पूजा और मैं आ गई हूँ दुकान में। तो आज फिर से दोबारा ठंडा हो गया, सुबह से बारिश ही है, मतलब दोपहर 1-1.5 बजे से बारिश है और अभी तक बारिश ही हो रही है, मतलब बूंदाबांदी हो रही है। इस ब्लॉग को यहीं पे समाप्त करते हैं और मिलते हैं आपको एक और नए वीडियो के साथ। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। मैं सुबह मिलती हूँ आपको एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। गाइस आज ना ओले गिरे मैंने देखे और वो तो दिखे मुझे और मैं पूजा करके आ गई हूँ। गाइस अगर आपको हमारा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करना ना भूले। बाय बाय।